हाउ डू यू हैंडल अनसॉलिसिटेड एडवाइस फॉर योर चाइल्ड? कभी कभी लगता है भाई मेरा बच्चा है, मुझे जो मर्जी है, मुझे जो मन है वही मैं करूँगी। अब तक ये स्केड्यूल सिर्फ मैं और मेरे मम्मी का था, दिव्यांदु का उतना हाथ नहीं था। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत बहुत कुछ चल रहा है। हेलो माई ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है ट्यूसडे, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो सुबह से मेरे हस्बैंड तो न्यूज़ पे है, मेरे मम्मी टीवी पे है, वो अपने सिस्टम पे कंप्यूटर लैपटॉप में न्यूज़ देख रहा है, और तब तक मैंने भी थोड़ा सा इधर उधर देख रही थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी, फिर बेटे को सुला रही थी, ये सी भी चल रहा था। अभी ऑलमोस्ट दोपहर हो चुका है, मैंने नहा लिया है, अब मैं जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा सा यू नो नींद में हूँ, ये है वो है, ब्रेकफास्ट वगैरह ये सभी चलता रहता है। और ब्रेकफास्ट में आज हम खाए हैं आलू के पराठे। मेरे जो मैंने कहा है ना, मेरे जो कुक है वो आ जाती है सुबह 5 बजे, तो 5 बजे उस टाइम पे ना, एक्चुअली 4 साढ़े 4 बजे ना वो मेरा बेटा उठ जाता है फीडिंग के लिए, तो तब से मैं 5 बजे तक जगी रहती हूँ ताकि वो जो मौसी है वो आए तो उनके लिए दरवाज़ा खोल के देना है, उनको बताना है क्या क्या खाना बनाना है। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे आज फीडिंग के लिए, तो उसके बाद ना मैं आलू काट के रखा था, उसके बाद उन्होंने बना दिया। तो एक काम है कि जल्दी जल्दी सुबह ना वो खाने का जो किचन का काम है वो हो जाता है, लेकिन वो बर्तन वाली थोड़ा लेट आती है। आज मेरे पास करने के लिए काफ़ी सारा काम है, ये जो है उबाह, ये जूडियो का सामान है, जूडियो से कल नहीं संडे को परसों जो हम शॉपिंग करके लेके आए थे ना, वो सब अभी तक मैंने हॉल नहीं किया। मैंने सोचा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, जूडियो डेडिकेटेड हॉल अच्छे से मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, तो वो वीडियो आज मुझे शूट करना है। कल मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था क्योंकि कल ना मुझे वो हो रहा था, पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, तो कोई व्लॉग नहीं किया। और वो भी है, मतलब अभी मेरा जो बेटा है वो ना क्लस्टर फीड कर रहा है, तो रात को तो 1-1.5 घंटा कंटिन्यूस वो फीड लेता है, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा रुक के फीड लेता है, तो बैठ के उसको फिर सुलाना पड़ता है, आराम से नहीं सोता है, सिर्फ गोदी पे ही सोता है। तो ऐसा करके होल्ड करते करते ना मेरा ये जो अपर बैकबोन है, ये अपर बैक में मुझे कल बहुत पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हॉट बैग का सेकी लगाया और उसके बाद मूव भी लगाया, थोड़ा रेस्ट किया है कल मैंने, और मैंने उसको गोदी भी नहीं दिया जितना फीडिंग करना है और जितना मिनिमम बे मिनिमम, फिर मम्मी ने ही ज़्यादातर लिया है। आज काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं। अभी देखो सो के कौन उठा है, अभी 11 बज चुका है बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। अभी भी इसका सोने का मन है, आँखें एकदम छोटा छोटा हो रखा है, डाइपर चेंज करना है, चलो अभी नहाना है। मसाज और नहलाने का टाइम हो गया है, मसाज और नहाने का टाइम हो गया है। नाउ ऑलमोस्ट 6 o'clock और अभी मैं रेडी दिख रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं शूट करने जा रही हूँ, अभी तक शुरू नहीं किया है। अभी एक्चुअली क्या होना, लंच करने के बाद थोड़ा सा बेबी को भी सुलाया, मैं भी सोने के लिए गई, 40 मिनट के बाद वो उठ गया, फिर फीड करा के फिर वो नहीं सो रहा था, अटरम पटरम ये वो है वो ऐसा वैसा कर रहा था, इधर इधर सुला उधर सुला, ऐसा ऐसा करते करते 5 ही बज गया। फिर मैंने सोची कि यार सो के क्या फ़ायदा, थोड़ा अगर 1 घंटा भी पूरा अनइंटरप्टेड मुझे रेस्ट मिल जाता ना तो अच्छा होता, तो मैं उठ के शूट करती। तो मैं सोच रही अच्छा सो जाएगा, फिर झूले में सुलाया, उधर भी 10-15 मिनट के बाद मैं करने चलो गया। तो वही चल रहा है अभी अभी, होपफुली अभी तो सोया है, तो अभी मैं इसलिए सोचा ठीक है चलो इसी बहाने शूट कर लेती हूँ, मम्मी तब तक देख लेगी, और हाँ चलो जल्दी जल्दी शूट करते। यही है अभी, मतलब डिलीवरी होने के बाद अभी बेबी के हिसाब से हमारा प्लान चलता है। और ये जनाब इधर क्या न्यूज़ देख रहे और इसके साथ साथ गिम्बल सेट करे। हेलो, कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ आप न्यूज़ देख रहे हो और कान में तो ठूसे हो, कुछ सुनाई दे रहा है? मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ यार, तो टाइम दो ना। वही गिम्बल सेट हो रहा है
और लाइट वाइट सेट हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर दैट मेस। अभी छत से मम्मी लेके आई है ये सब, तो हाँ चल रहा है। ट्यूजडे मैंने व्लॉग चालू किया था और आज है थर्सडे, तो दो दिन के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। बीच में मैंने जूडियो का जो है वो हॉल किया है, ये वो वीडियो गया है। एंड हाँ, अभी क्या है ना, कुछ दिन से क्योंकि रात को सोने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, सुबह उठने में लेट हो रहा है, तो इसलिए ना व्लॉग नहीं हो पा रहा है। पूरा दिन बहुत बिजी चल रहा है, तो ऐसा ही है। अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो गया है, मम्मी बेटे को मालिश दे रहा है, तब तक मुझे भूख लग रही है। सुबह एक्चुअली वो हुआ था डोसा, कुक ने, आपको पता ही है सुबह बहुत जल्दी आती है, तो आके डोसा वोसा वो सब करके गई है। तो सुबह 6:30-7 o'clock अराउंड मैं खा लेती हूँ, उसके बाद 9:30 को फिर से मैं वही खा लेती हूँ, उसके बाद अभी 11:30 ऑलमोस्ट बजने वाला है, अभी मुझे फिर से भूख लग रही है। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ। और ये देखिए, मैंने ना कल कुकीज़ बनाया फिर से, वो वाला कुकीज़ आप लोगों ने देखा होगा ना, पहला जो मैंने पहली बार बनाया था। तो पहला बैच जो मैंने किया था, दो बैच में किया है कुकीज़, ठीक है। तो पहला बैच जो मैंने किया था वो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा वाला हुआ है। और लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो थोड़ा फ्लफ़ी था, क्योंकि मैंने थोड़ा जो डो जो मैंने डाला था वो थोड़ा मोटा डाला था, तो इसलिए मुझे पता चला। तो मैंने कल किया है, पतला करके मैंने डाला है और ऐसा कुकीज़ बना है, बहुत टेस्टी यम्मी बनाए। तो पहला जो राउंड था वो ना बिल्कुल सही बनाए, मतलब ये। फिर दूसरा जो राउंड है, दूसरे राउंड में मैंने थोड़ा कम टेम्परेचर में ही डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल गया है। तो आप देख सकते हो दोनों, मतलब कुकीज़ का हालत, ये थोड़ा सा जल गया है और ये एकदम परफेक्ट है, पूरा कड़क। तो वही मैं बोल रही थी कि अब बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, क्या खाओ वही चलता रहता है। हेल्दी भी खाना है, प्रोटीन रिच फूड भी खाना है, तो ये एक दिक्कत है। इवनिंग स्नैक रोज़ क्या बनाऊँ, आप तो व्लॉग में देख ही रहे हो, मैं रोज़ कुछ ना कुछ बना रही हूँ, कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा है। यार प्रेगनेंसी, ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी क्रेविंग अभी तक गया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से मुझे पूछना था कि हाउ डू यू हैंडल अनसॉलिसिटेड एडवाइस फॉर योर चाइल्ड। जैसे कि आपके बेटे, आपके बच्चे के लिए कोई आए, विजिट करने आए, फिर आपको कुछ ज्ञान दे के चले जाते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो। ऑल दो हम लोग अभी फैमिली के, मतलब उतना फैमिली रिश्तेदारों के बीच में नहीं है, तो हमें उतना ज़्यादा अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं मिलता है। उस हिसाब से वी आर ब्लेस्ड कि अगर मैं लॉस के उधर होती, वो गांव में है, तो लोग आके इतना भर के ज्ञान देके जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इमेजिन कि क्या होता मेरा। तो अभी क्या है ना, कल क्या हुआ, मेरा जो बर्तन वाली जो मेड है ना, वो हम उसको बेटे को मालिश देने के बाद ना उसको टमी टाइम देते हैं, तो टमी टाइम में मैं वो ब्लैक एंड वाइट जो फ्लैश कार्ड्स है वो मैं रख देती हूँ, या तो फिर मैं उसके साथ चिट चैट करती हूँ, एंटरटेन करती हूँ, वो ऐसा चलता है। और जब वो थक जाता है और थोड़ा क्रैंकी हो जाता है तो उसको हम उठा लेते हैं। फिर उसको टमी टाइम दे रहे थे तो वो मेड आके, वो तब झाड़ू मार रही थी, तो आके बोली कि दीदी उसको ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप रखोगे तो उसका मुँह छोटा हो जाएगा, मतलब टाइम टाइम के लिए इधर ये होगा ना, टच होगा नीचे, तो फेस छोटा हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके। जब उसको बात दे रहे थे ना, फिर एक दिन उसने बोला है कि आप लोग उसको साबुन नहीं लगाते हो, तो हमने पूछा रहे हाँ लगाते, फिर बोले कि आप रोज़ नहीं लगाते हो, मैंने बोला रोज़ साबुन हम नहीं लगाते, फेस की बात कर रहा है, फेस पे रोज़ साबुन नहीं लगाते हो, नहीं रोज़ फेस पे क्यों रोज़ साबुन लगाना है। तो वो इतना शौक हो गई, ऐसे देख रहे, पता नहीं है, शायद उसको लगता है कि फेस पे रोज़ साबुन लगाने से गोरा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और वो कनाडा में बात करती है, ठीक है, वो पूरा कनाडा में बात करती है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोलती है, और मुझे कनाडा आता है थोड़ा, चलाने लायक आता है, ठीक है, तो वो जो बोलती है मुझे समझ में आता है,
मैंने भी उसको कनाडा में ही बोला है, तो मतलब हाँ फिर ये टाइम टाइम को लेके तो एक दो लोगों के साथ और भी थोड़ा सा मतलब पुराने लोग जो है उन लोगों को पता नहीं है, तो उन लोग वो बोलते हैं कि नहीं ये इतना छोटा बच्चा है क्यों टाइम टाइम दे रहे हो, ये लेके तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिर बहुत सारी चीज़ों को लेके यार लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, फिर मैं तो रिसर्च करती हूँ भाई, गूगल में सर्च करती हूँ कुछ, मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ डॉक्टर्स को फॉलो करती हूँ जिनका पीडियाट्रिशियन है, वो लोग बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं एंड उस हिसाब से मैं कुछ कुछ चीज़ें करती हूँ। तो हाँ मतलब ऐसा नहीं है रैंडमली मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कौन क्या बोल रहा है, इवन फॉर गैस रिलीज एंड ऑल मैंने बहुत कुछ देखा है कि डॉक्टर्स ने जो पीडियाट्रिशियन है उन लोगों ने जो रिकमेंड किया है, फिर मैं अपने डॉक्टर से भी बात करती हूँ मतलब पीडियाट्रिशियन से। तो ऐसा करके तो आप बताओ आप कैसे हैंडल करते हो, मैं तो फिर भी मुझे उतना ज़्यादा एडवाइस नहीं आता है। हाँ फिर ये क्या बोलते हैं ये जो सॉफ्ट स्पॉट है ना उसको लेकर भी बहुत सारे एडवाइस आते हैं, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हो अगर आप फैमिलीज़ के साथ रहते हो? आई नो कभी कभी लगता है इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड कभी कभी लगता है भाई मेरा बच्चा है मुझे जो मर्ज़ी है मुझे जो मन है वही मैं करूँगी, मुझे जो सही लगता है वही मैं करूँगी, है ना। पता है अभी मैं और दिव्यांदु काफ़ी सोच में पड़ गए हैं कि मम्मी जाएगी तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी दिव्यांदु फुल ऑन फेज में है कि जहाँ पे ही इज़ वर्किंग और उसका जो काम है बहुत टाइम लेता है, उसका इट डिमांड्स टाइम, तो उतना अभी हम लोगों को टाइम नहीं दे पाता है। तो जब मम्मी जाएगी ना उसके बाद तो आई नीड हिज हेल्प बिकॉज हम दोनों ही रहेंगे, इन लॉज आएंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो कुछ महीने के लिए तो हम दोनों ही होंगे, तो इसलिए हम प्लान कर रहे थे कि जब तक मम्मी रहेगी, मम्मी जाएगी 23 जून को, तो जब तक मम्मी रहेगी ना हम दोनों थोड़ा सा जो स्केड्यूल हम शुरू करेंगे हम दोनों मिल के, लाइक सुबह उठने से लेकर नहाना, फिर खुद नहाना, ब्रेकफास्ट करना, पूजा वूजा करना, बच्चों को नहलाना, फिर उसका काम, फिर बीच में मेरे खाना, फिर इवनिंग स्नैक्स, फिर रात को सुलाना, तो आई नीड हेल्प इन बिटवीन। ऐसा नहीं मुझे कंसिस्टेंटली चाहिए, बट नहलाने के लिए या तो फिर जब मैं वॉशरूम जा रही हूँ तब तक उसको पकड़ना है ऐसा, फिर रात को मैं दूध पिलाते पिलाते फिर कभी कभी वो नहीं सोता है तो मैं थक जाती हूँ तब उसको मैं दे देती हूँ, तो ऐसा वाला, तो वी नीड टू मेक अ स्केड्यूल, क्योंकि अब तक ये स्केड्यूल सिर्फ मैं और मेरी मम्मी का था, दिव्यांदु का उतना हाथ नहीं था, तो अभी उसका हेल्प मुझे चाहिए। तो हम कल ही हम बैठ के यही सोच रहे थे कि अभी 2 हफ्ता है, 17-18 दिन है, दो हफ्ते से ज़्यादा दिन है, तो अभी ना थोड़ा सा हम शुरू करते हैं वो स्केड्यूल बनाना हम दोनों का, ताकि जब मम्मी जाए तब हमें ऐसा ना लगे कि हाय क्या हो गया हम मैनेज नहीं हो पा रहे, सो वी विल गेट यूज्ड टू ऑफ इट, है ना। ये अच्छा वाला एक आइडिया, एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहती हूँ क्योंकि अभी ना बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत बहुत कुछ चल रहा है, उसका तो 1% भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बस बेबी ये चीज़ को लेके जो जो चल रहा है थोड़ा मैं शेयर कर रही हूँ। अभी उसके साथ भी बहुत कुछ चल रहा है, मतलब घर भी हमें जाना है, तो सितंबर में उसका राइस सेरेमनी है, सितंबर में बेबी का राइस सेरेमनी है, तो इसलिए घर भी हमें जाना है, तो उसके लिए भी कुछ काम वाम है, फिर एक्चुअली मेरे बेटे का नाम को लेकर भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हमने बोला है अंकेश, हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन एक और नाम चल रहा है, तो उसमें से एक हम फाइनल करेंगे एकदम, मतलब सर्टिफिकेट फाइनल जो होगा वो अभी तक हमने नहीं किया है, तो वो भी है, बहुत कुछ चल रहा है। तो गाइज आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ, आई होप मैं रोज़ व्लॉग बना पाऊँ, मैं 100% कोशिश करूँगी रोज़ व्लॉग बनाने की, अगर कोई कोई दिन मिस हो जाता है प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं थोड़ा दूसरा टाइप का कॉन्टेंट भी लाना चाहती हूँ लाइक हॉल वीडियोज़ एंड शॉपिंग वॉपिंग, तो कीप ऑन वॉचिंग, बाय।